सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में, और ये अंधेरा और ये रोशनी। सो मैं आज लेके जा रहा हूँ आप लोग को हॉस्टल जो है मेरे ससुर जी का, और मतलब मेरे ससुराल में जो बीएसपी का मैच चलता है वहाँ अंदर का दिखाता हूँ आप लोग को कैसा है वहाँ पे जगह, और कैसे कैसे बनता है खाना, कितने लोग काम करते हैं। बहुत दिन से घर वाले बोल रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ, और मेरे को ही बनाना चाहिए, गलती तो मेरी ही है वैसे। चलिए साथ में बना के दिखाता हूँ, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कैसे कैसे बन रहा है वहाँ पे। तो ये रहा मैस, नाम तो दिखा नहीं सकता आप लोग को, और यहाँ से मेन एंट्री गेट है हम लोग का। देखिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है आपको। हाँ गाड़ी खड़े करते हैं और पूरा अंधेरा अंधेरा है। चलिए, और मेन ये जो स्ट्रीट में दरवाज़ा है बहुत अंधेरा है यार। सो अपन पहुंच गए हैं, एकदम स्ट्रेट जाना है और लेफ्ट साइड मुड़, राइट साइड मुड़ जाना है। लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो हॉस्टल के अंदर हो जाएंगे, और ये जो यहाँ बंदे रहते हैं ना बीएसपी वाले, सब एम्प्लॉय का गाड़ी यहीं रखाता है, और स्टाफ लोग का भी गाड़ी यहीं पर रखाता है, साइकिल यहीं पर रखाता है। बाकी ये उस खिड़की का दरवाज़ा है जहाँ पे मैस का पूरा बर्तन धोता है, वॉश करते हैं। और ये यहाँ से हॉस्टल, स्टेट हॉस्टल बहुत यार ज़बरदस्त है। चलिए ना मैं दिखाता हूँ इसका भी आगे। चलिए पहले मैस शो करता हूँ आपको मैं। ये पड़ता है हम लोग का मैस का एंट्री का, जहाँ पे खाना खिलाया जाता है। ये देखो पहुंच गए हम लोग मैस के अंदर। मेरे ख्याल से खाना रेडी हो गया है अपना, सब खाना रेडी हो गया, मतलब खाना अपना। खाना, चलो खाना दिखाता हूँ मैं आप लोग को। आज क्या बना है? चिकन। ओ तो ये चिकन अपना बना है, चिकन करी, और ये ग्रेवी वाला नहीं, डार्क वाला चिकन बना है। हाँ दीदी एक मिनट, दीदी अरे एक नंबर रोटी सेक रहे हो दादा। ये हमारे दादाजी, दादा मतलब बड़े भैया। आओ लिट्टी दादा बोलते हैं। देख लो भाई मैस में ऐसे ही रोटी सिखाता है, और ऐसे बड़े बड़े बर्तन में खाना बनता है। हमारे लिट्टी दादा रोटी डाल रहे हैं। भाई कितना डाल देते दादा? 10 ठो 12 ठो 8 रोटी, गिनती से तो 8 ही आ रहा है। इनको इनको रोटी बना देते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आप लोग को ब्लॉग। तो यहाँ पूरा अपना ग्रॉसरी का सामान रखा जाता है, दाल वाल मसाला वसाला, उधर पूरा आटा का सामान रखा हुआ है, ये तीला पूरा तेल का टीना। ये देखो हमारे पिताश्री ससुर जी गाना सुन रहे हैं, और इधर रखाता है आटा पूरा, ये बोरी बोरी आटा 5-5 किलो का है, और ये चावल का बोरी, ये दाल का बोरी, ऐसे गंजा रहता है पूरा, दिख रहा है। ये तैयार हो गया टिफिन जाने के लिए, और ये यहाँ के मैस के लिए है जो अभी चलेगा, 350 लोग हैं अभी, ये जाएगा फिर आएगा भराएगा। और इधर रोटी रेडी हो चुका है, बनाया जा रहा है, ऐसी कम से कम आधा एक घंटा ऐसे चलते रहेगा अभी ये कंटिन्यूसली। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको गाइस। अभी पूरा अपन आ गए बाहर, और ये पीछे में देखिए डाइनिंग हॉल लिखा है जी, दिखाता हूँ रुको मैं। डाइनिंग हॉल, और यहाँ से हम लोग पूरा बाहर आ चुके हैं। आपको हॉस्टल घुमा देता हूँ और दिखाता हूँ कैसे घूमसाम और भूतिया टाइप का दिख रहा है। तो ये रहा करीबन यहाँ पे 350 कमरे हैं पूरे, स्ट्रेट 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 कमरे पड़ते हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, देखो कितना बड़ा है, जितना लाइट जल रहा है समझो सब है। और ऊपर का एक मंजिल तो बंद ही है अभी, ऊपर का एक मंजिल बंद है, इतना अंधेरा है ना कि दिख नहीं रहा है आप लोग को अच्छे से। चलिए ऊपर लेके आगे दिखाता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ से बाहर निकल कर, बाहर निकलने का भी रास्ता है। और ये ऐसी वाली सीढ़ी, ये बिल्डिंग में 4 ठो है,
यहाँ का पावर सप्लायर, ये मैच जाने का रास्ता फिर से। चलिए मैं ऊपर ले आता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ यहाँ का। एक छोटी सी बच्चों के साथ देखना, उसके बच्चे भी हैं और वो भी बेचारी। तो सेम है, दिखाता हूँ सही आपको। सब कोई अपना कपड़ा बाहर सुखाया है, इधर भी है, इधर भी है। और ये है टीवी रूम, यहाँ टीवी है बहुत बड़ा, सोनी का ब्रावो टीवी है, 55 या 56 इंच का है, पता नहीं अंदर कोई है कि नहीं। चलो दिखाता हूँ, ये देखो पहुँच गए हैं अपन। तो ये रहा अपना प्ले रूम भी है इसको, और टीवी रूम भी बोलते हैं। तो ये रहा ब्रावो का, सोनी का 55-56 इंच का टीवी, जो PSP की तरफ से ऑफ़र किया गया है इन लोगों को खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए और बहुत कुछ। और ये यहाँ से इस साइड का छत जाता है, पूरा अंधेरा ही है, अंधेरा ही मिलेगा यहाँ पे PSP का, यही मतलब। जहाँ काम वहीं पे लाइट, जहाँ काम नहीं वहाँ अंधेरा ही अंधेरा। को थोड़ा सा थोड़ा ना मिलता है, कम से कम 70,000, 80,000, 50,000, और किसी को तो लाखों में पेमेंट होता है, इनको तो कम नहीं मिलता है सैलरी भाई, इतना कमाते हैं तो इनको सुविधा भी मिलेगा BSP की तरफ से। ये रहा फिर बाहर निकल गए अपन, और ये वो जगह है, देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से हम लोग अभी अभी ऊपर आए थे। देखो पूरा रूम अलॉट है इन लोगों को, अपना सब कोई अपना अपना कपड़ा टांगा है सुखाने के लिए, देख रहे हो सब कोई। और ये बाहर का है रास्ता, फर्स्ट फ्लोर का, ये रहा बाहर का, ये फ्रंट एंट्री गेट का है, ये देख सकते हो, इधर भी लोग हैं। और ये थर्ड मंजिल के लिए ऊपर लाइट बंद है सब, नीचे का चलो नीचे चलते हैं। ये गेट मेन एंट्री का, और ये इधर इधर सब जो दिखाया था वो सेट था मैं। और ये गर्ल्स का लेडीज विंग है, और यहाँ से बाहर आ गए अपन। ये भी एक गेट है आउट का, और ये भी फ्रंट गेट है, और जो दिखाया था इधर ही से अपन लगाए थे, इधर ही से अंदर आए थे अपन लोग, और इधर से गए थे अपन। और ये रहा हॉस्टल। इसी में ब्लॉग ख़त्म होता है, और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ में बहुत सारा वीडियो डाल रहा हूँ उसको भी देख लीजिएगा। और ये रहा रोशनी में, आपको अभी भी बाहर निकाल के दिखाया हूँ मैं, और चलते हैं घर। और जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, और चलिए ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।